हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके मई माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य, ये साक्ष्य अभी हाल फिलहाल में ये साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, काफ़ी पहले से ही जो है आपके मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर मौजूद है प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क, जहाँ पर आपके समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य मौजूद है। हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों रहा, इसे समझिएगा। देखिए, ये कहाँ पर है, हसदेव नदी के तट, मनेंद्रगढ़, कोरिया जिले में मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत हसदेव नदी के तट पर मौजूद है समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य, जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर हसदेव नदी के तट पर लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर समुद्र रहा होगा, यहाँ पर समुद्र के साक्ष्य है। देखिए, इसकी पुष्टि की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस हसदेव नदी के तट मनेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र के में जो है आपके समुद्र होने का दावा की पुष्टि इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही की है। देखिए, ये जो आपका न्यूज़ में जो है इस हसदेव नदी के जगह आपका हसौद नदी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो हसौद नदी नहीं, हसदेव नदी है। इस हसदेव नदी के तट पर प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क मौजूद है, इसका पुष्टि किसने किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। देखिए, समुद्री जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जो आपके समुद्री जीवाश्म मतलब, देखिए यहाँ इस क्षेत्र में आपके करोड़ों वर्ष पूर्व बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे। ये पेड़ पौधे जो कि आपके समय के साथ आपके समुद्र के अंदर दब करके इनका अपघटन हुआ और समय के साथ ये जो है जीवाश्म बन गए। इस कारण से जो है ये जो पेड़ है, पेड़ों के कार्बनीकरण से जो है इसका जो रूपांतरण है कोयले में हो गया। इस कारण से ये जो मनेंद्रगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की खदान की बहुतायत है। ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का जो आपका समुद्री जीवाश्म वाला क्षेत्र है, जो एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क है, उसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज संरक्षण क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। ठीक है, पत्र लिखा गया है केंद्र सरकार को, अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। तो प्रदेश का एकमात्र समुद्री जीवाश्म साक्ष्य, या आपका प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क कहाँ है पूछा जाए, तो वो मौजूद है आपके कोरिया जिला मनेंद्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका किंधा पहाड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। किंधा पहाड़ चर्चा में क्यों रहा, ये जो किंधा पहाड़ है, यहाँ पर हनुमान जी के जन्म स्थल होने का दावा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। हनुमान जी, देखिए जो हनुमान जी है, ऐसा अलग अलग जो हनुमान जी के जन्म स्थल को लेकर के अलग अलग राज्य अपने दावा कर चुके हैं। हनुमान जी के जन्म स्थल के रूप में कहीं अंजनी पहाड़ का जिक्र हुआ है, कहीं किष्किंधा पहाड़ का जिक्र हुआ है। तो इसे लेकर के किष्किंधा पहाड़ हनुमान जी का जन्म स्थल है, ये दावा कर चुके हैं कि ये जो स्थल है किष्किंधा पहाड़, ये मौजूद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य ऑलरेडी इसका दावा कर चुके हैं, जबकि अंजनी गुफा जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ, ये दावा आपके झारखंड और गुजरात कर चुके हैं। तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है आपके हनुमान जी के जन्म स्थल का दावा कर रहा है किंधा पहाड़। ये जो किंधा पहाड़ है, ये मौजूद है आपके किंधा गांव रायगढ़ जिले में मौजूद है आपका किंधा गांव, और इस किंधा गांव में मौजूद है आपका किंधा पहाड़। ठीक है, जो कि आपके हनुमान जी के जन्म स्थल होने का दावा प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और वहां के कुछ साक्ष्य को भी एविडेंस के रूप में पेश किया गया है। देखिए, ये जो आपका इसमें तर्क क्या दे रही है प्रदेश सरकार, रामायण कालीन किष्किंधा का जो जिक्र हुआ है, रामायण काल में जो किष्किंधा का जिक्र हुआ है, इसी किष्किंधा का अपभ्रंश है यह किंधा गांव, और यहाँ पर मौजूद आपका किंधा पहाड़। इसी आपके किष्किंधा यानी कि जो किंधा पहाड़ है, यहाँ पे बाली और मायावी राक्षसों के मध्य एक महायुद्ध हुआ था। ठीक है, रामायण काल में जो आपके वानर राज बाली थे और आपके मायावी राक्षसों के मध्य यहाँ पर आपके महायुद्ध हुआ था। ठीक, प्रदेश सरकार के द्वारा जो राम वनगमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, इस राम वनगमन पथ में जो है आपके इस किंधा गांव को शामिल किया गया है। अभी तो वो जो है प्रारंभिक स्तर पर आपके केवल 9 स्थलों का चयन किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने टोटल 52 स्थानों का चयन किया है। 52 स्थानों में से 9 स्थानों का अभी विकास किया जा रहा है, लेकिन उन 52 स्थानों में एक किंधा गांव भी शामिल है। ठीक है, जो कि आपके रामायण कालीन स्थल है, जहां पे प्रदेश सरकार के द्वारा हनुमान जी के जन्म स्थल होने का दावा किया जा रहा है।
नेक्स्ट है आपके बद्रीधर दीवान। बद्रीधर दीवान जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये बद्रीधर दीवान कौन थे? बद्रीधर दीवान हमारे प्रदेश के विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पूर्व उपाध्यक्ष। ये जो है हमारे प्रदेश की द्वितीय विधानसभा और चतुर्थ विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। द्वितीय विधानसभा में ये 2005 से लेकर 2008 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, जबकि चौथी विधानसभा में 2015 से लेकर 2018 तक ये आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, ठीक। इनका हाल ही में निधन हो गया। वर्तमान में जो आपकी विधानसभा है वो है पांचवी विधानसभा, जिसके उपाध्यक्ष है मनोज सी मंडावी, जो कि 2019 से अभी निरंतर उपाध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है। बद्रीधर दीवान इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके भोरमदेव दुर्लभ मछली। अभी हाल फिलहाल में जो आपके भोरमदेव है, भोरमदेव ये मौजूद है आपके कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला। तो कबीरधाम जिले में भोरमदेव वाले क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद है एक भोरमदेव तालाब। इस भोरमदेव तालाब में एक अनोखी मछली देखी गई है, दुर्लभ प्रजाति की मछली, जिसका नाम है आपका सकर माउथ कैटफिश, या इसे क्रोकोडाइल फिश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिला है आपके भोरमदेव तालाब कबीरधाम जिला, ठीक है। विशेष बात यह है कि जो मछली मिली है, ये मछली मिलती है आपके अमेजॉन नदी में। अमेजॉन नदी में पाई जाने वाली मछली हमारे प्रदेश के कवर्धा जिले के भोरमदेव क्षेत्र के अंतर्गत भोरमदेव तालाब से प्राप्त हुई है। देखिए, दावा तो किया जा रहा है कि ये अपने तरह की पहली मछली है जो कि हमारे प्रदेश में मिली है, लेकिन जब ये न्यूज़ आपका वायरल हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियो आए जो कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ये मछली होने का दावा किया गया, ठीक है। कुछ वीडियो फुटेज आया जिसमें बताया गया कि मछली कोई दुर्लभ मछली नहीं है, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में ये मछली पहले से मौजूद है। लेकिन करंट का न्यूज़ है, याद रखिएगा, शकर माउथ कैटफिश कहाँ पाया गया है? भोरमदेव क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसी से याद रखिएगा, दुर्लभ जीव से याद रखिएगा, हमारे प्रदेश के अबुझमाड़ क्षेत्र में पाया गया है आपका दुर्लभ जीव जिसका नाम है माउस डियर, ठीक है। चूहे के जैसे दिखने वाला आपका हिरण माउस डियर देखा गया है आपके अबुझमाड़ क्षेत्र, यानी कि नारायण और बीजापुर वाले जो जंगल है उस अबुझमाड़ क्षेत्र में आपका देखा गया है माउस डियर। इससे पहले प्रदेश में माउस डियर देखा गया था आपके उद्यंती अभ्यारण्य में। उद्यंती अभ्यारण्य के बाद जो अगला जो देखा गया है वो है आपके अबुझमाड़ के जंगल क्षेत्र में, उसे भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, काफी अपडेट हुए हैं इसमें। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसकी शुरुआत हुई थी आपके 21 मई 2020 से, ठीक है, पिछले साल इस योजना की शुरुआत हुई थी। जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके पुण्यतिथि पे ये आपका योजना का शुभारंभ हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ? 21 मई 2020। देखिए, इसमें जो है शुरुआती तौर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल धान को शामिल किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ नवीन प्रावधान करके कुछ अन्य फसलों को भी शामिल किया गया है। देखिए, धान के अतिरिक्त इसमें 13 अन्य फसलों को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ये 13 फसल कौन कौन से है? एक है मक्का, दूसरा सोयाबीन, तीसरा मूंगफली, चौथा तिल, फिर अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना। तो धान के अतिरिक्त 13 अन्य फसलों को शामिल किया गया है किसान न्याय योजना के अंतर्गत। अगर धान को भी अगर हम शामिल कर दें तो टोटल होते 14 फसल, ठीक है। ये डिजिट को याद रखिएगा, 13 फसलों को जो है, 13 अन्य फसलों को धान के अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए, पिछले साल ये आपका योजना शुरू किया गया था, योजना तो शुरू किया गया आपके मई 2020 से, लेकिन इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2019-20 से, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 19 लाख किसानों को 5628 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया 5628 करोड़ या 5628 करोड़ रुपए की राशि, ठीक। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपके 22 लाख किसानों को 5597 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि भुगतान की गई। प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार जो है, देखिए हमारी जो प्रदेश सरकार है वो किसानों से जो केंद्र द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा कीमत पर हमारे प्रदेश सरकार किसानों से धान खरीदती है।
लगभग 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, लगभग एक लमसम अमाउंट बता रहा हूँ, 15 जो आपका 1800 रुपए या उससे अधिक, 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगभग प्रदेश जो है केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन प्रदेश सरकार खरीदती है आपके 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान को, ठीक है। तो ये जो अतिरिक्त राशि है, अतिरिक्त राशि आपका प्रदान किया जाता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत, जो कि किश्तों में प्रदान किया जाता है, ठीक। अब जब से प्रदेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है, तो प्रदेश में धान की पैदावार आपके सरप्लस हो रही है, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में प्रदेश में जो है आपके धान की खेती हो रही है। तो प्रदेश सरकार अब धान के प्रति जो उसकी निर्भरता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सरप्लस आपके धान की खेती हो रही है, तो धान की निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। देखिए, पहले जो है आपके धान के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाता था, लेकिन अब इस राशि को घटा करके 9,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। जबकि धान की निर्भरता को कम करने के लिए फसल बदलने पर, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष खरीफ वर्ष 2020 में जिसने धान का फसल लिया है, अब वो आगामी वर्ष में अगर अपना फसल बदलता है, फसल बदलता है मतलब धान के अलावा मक्का, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, गन्ना, ये सभी फसल अगर उगाता है, या फिर अपने ही क्षेत्र में वृक्षारोपण करता है यानी कि पेड़ उगाता है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। किसमें? फसल बदलने पर और वृक्षारोपण करने पर। साथ ही साथ खरीफ फसल मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, अरहर उत्पादकों को जो है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। प्रति एकड़ है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सभी जगह प्रति एकड़ है। जो आपके खरीफ फसल मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, अरहर जो उत्पादन कर रहे हैं, देखिए यहां पे क्या, फसल बदलने यानी कि धान के किसान अगर फसल बदल रहे हैं तो उसे 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान होगा, लेकिन जो ऑलरेडी मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, अरहर उत्पादक कर रहे हैं उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान होगा। साथ ही साथ कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। देखिए हमारे प्रदेश में जो है कोदो कुटकी का भी उत्पादन होता है, तो कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि आपका निर्धारित किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक। ये सभी को याद रखना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इतने सारे अपडेट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान समझते हुए चलिएगा। धान के किसानों को आपका 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान होगा, फसल बदलने और वृक्षारोपण पर 10,000 रुपए प्रति एकड़, खरीफ फसल जो मक्का, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, अरहर के जो उत्पादक है उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़, जबकि कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक। अब जो आगामी वर्ष के लिए ये जो आपके इसके अंतर्गत जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वर्ष 2021-22 के लिए पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, जो कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ये लागू हुआ पूरा प्रदेश भर में 1 जून 2021 से पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, लागू हुआ है 1 जून 2021। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण में सुधार एवं पौधारोपण को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यावरण में सुधार लाना, पौधारोपण को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए पात्र कौन होंगे, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा साथ ही सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे, इस योजना के अंतर्गत आपके पात्र होंगे। पहला चीज तो वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ऐसा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी जो कि निजी भूमि पे उपलब्धता अनुसार वृक्षारोपण करता है, या सभी ग्राम पंचायत जो है सामूहिक तौर पर, या संयुक्त वन प्रबंधन समितियां इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इसमें लाभ कैसे मिलेगा समझिएगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, अब जो है उस धान के फसल के स्थान पर वो अपने भूमि पर जो है आपके वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अगले 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा।
खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल लेने वाले किसान अगर वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अगले तीन साल तक प्रदेश सरकार भुगतान करेगी। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के पास जो उपलब्ध राशि है, यानी कि ग्राम पंचायत के पास जो उनकी जमा धन राशि है, उसका उपयोग करके अगर वो वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल जो वृक्षारोपण करते हैं, वाणिज्यिक वृक्षारोपण यानी कि जैसे कि साल सागौन साजा बीजा ये सभी के सभी क्या है आपके कमर्शियल वृक्ष है, तो वाणिज्यिक वृक्षारोपण करते हैं और साथ ही साथ संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी जो है उपलब्ध धनराशि से कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक वृक्षारोपण सफल वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा एक वर्ष बाद। ठीक है, सफल वृक्षारोपण होने की दशा में एक साल बाद उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आनंद समाज वाचनालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, आनंद समाज वाचनालय से दो बार प्रश्न पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी यहाँ पर आम सभा यानी कि जनसभा को संबोधित किए थे, लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आनंद समाज वाचनालय इसकी नींव रखी गई थी आपके 1899 में। 1899 में कुछ प्रबुद्ध नागरिक और कुछ युवाओं के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था बारह भाई संस्था। ठीक है, बारह भाई संस्था, इस बारह भाई संस्था में कुछ युवा मौजूद थे, कुछ नागरिक मौजूद थे जो कि इसमें कुछ धनराशि का सहयोग करके यहाँ पर कुछ लोग अपने धनराशि इसमें यानी कि आर्थिक सहायता इसमें प्रदान कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर आपके बुक यानी कि पुस्तकें जो है दान कर रहे थे। तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था बारह भाई संस्था जो कि 1899 में बनी थी। ठीक है, तो ये जो है ये संस्था एक्चुअली में आपके कहा जाए तो एक प्रकार का पुस्तकालय यानी कि पुस्तकें यहाँ पे दान दी जाती थी पढ़ने के लिए और कुछ आर्थिक सहायता भी इसमें दी जाती थी। लेकिन आनंद समाज वाचनालय के रूप में ये अस्तित्व में आया वर्ष 1908 में। वर्ष 1908 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरन जी पेस्टन। इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करके इस आनंद समाज वाचनालय को जो है रूप प्रदान किया। ठीक है, इसे बना करके एक वाचनालय के रूप में खड़ा किया। पहले तो यह एक संस्था बस थी वर्ष 1999 में, लेकिन एक वाचनालय एक इमारत बनाई वर्ष 1908 में बैरन जी पेस्टन ने आर्थिक सहायता प्रदान करके। ये जो आपका वाचनालय था ये आज़ादी की लड़ाई के समय सेनानियों स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं और युवाओं के विचार विमर्श के लिए जगह और पढ़ाई का एक केंद्र था, पढ़ने का केंद्र था और साथ ही साथ जो आपके आंदोलन होते थे, जो आपके क्रांतिकारी आंदोलन होते थे उससे संबंधित विचार विमर्श करने के लिए लोग यहां पर एकत्रित होते थे। ठीक है, इसका महत्व क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि गांधी जी का पहली बार आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित वो आए थे, लेकिन उनके आगमन से पहले ही जो है कंडेल नहर सत्याग्रह आपका समाप्त हो चुका था। गांधी जी जब आपके 20 दिसंबर 1920 को आए थे तो महात्मा गांधी ने इसी आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। ठीक है, ये प्रश्न दो तीन बार आया है। आनंद समाज वाचनालय है कहाँ, रायपुर में है। ठीक है, रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में महात्मा गांधी ने जो है महिलाओं को संबोधित किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन पर्सन का नाम भी याद रखिएगा, बैरन जी पेस्टन, हो सकता है प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना है क्या समझिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा 18 मई 2021 को महतारी दुलार योजना की घोषणा की गई, जबकि इसकी अधिसूचना जारी किया गया है 22 मई 2021 को। ठीक है, प्रदेश सरकार ने 18 मई को घोषणा किया, 22 मई को राजपत्र में इसे प्रकाशित किया। ठीक है, अधिसूचना जारी किया गया, जबकि पूरे प्रदेश भर में ये लागू हुआ आपके 1 जून 2021 से। तीनों डेट याद रखना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 जून नहीं दिया है तो अधिसूचना वाले डेट को लेना है 12 मई 2021, 1 जून 2021 से ये पूरे प्रदेश भर में लागू हुआ। अब ये महतारी दुलार योजना है क्या समझिएगा, कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा या अनाथ बच्चों को निशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना प्रारंभ किया गया है। इस महतारी दुलार योजना के अंतर्गत पात्र कौन होंगे, पहले छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी, दूसरा ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ किसकी बात हो रही है, कमाने वाले माता या पिता या दोनों की जो मृत्यु है कोविड 19 से हुई है वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इसमें स्कूल शिक्षा की आयु पात्रता रखता हो, यानी कि ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा के लिए आयु की पात्रता रखते हो,
और जिनके घर में कमाने वाला कोई भी वयस्क सदस्य ना हो वो इस महतारी दुलार योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इसमें सुविधा क्या प्रदान की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान होगा, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एडमिशन दाखिला दिला करके उन्हें स्कूली शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें प्राथमिकता क्या दी जा रही है, इसमें जो आपके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसमें प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो आपके प्रदेश सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आपके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम से चलाया जा रहा है उसमें एडमिशन को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति प्रदान होगा, जबकि नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो ये है आपके महतारी दुलार योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। महतारी दुलार योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, ये प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।